जो दे हाथ विच बोतल सी शराब दी वो तोड़ के साढ़े सेवादारां ते अटैक किया, जो साढ़े सेवादार की बांह के उत्ते लगा जिहड़ा इंजर्ड हो गया, साढ़े सेवादार ने उन्होंने फड़ के उस लड़की नूं दफ्तर दे विच लिआंदा। एक सिंह जो शरधालू सी, जो जज्बात दे विच आके, मैं कहांगा भावना दे विच आके, उन्हें उस लड़की दे आप दे रिवालवर तो गोलियां चला दित्तियां। गोलियां लगन कारण उस लड़की की मौके पर मौत हो गई। पुलिस नूं उस लड़के ने, उस सिंह ने अपना रिवालवर ते अपने आप नूं उस वेले पेश कर दिता। पुलिस मौके पर पहुंची, दो चार मिनट मुढ़ली पुछगिछ तो बाद पुलिस उस लड़की नूं नाल लैके गुरद्वारा साहब तो पुलिस स्टेशन वास्ते चल पई। गुरद्वारा दुखनवार साहब पटियाला विखे एक बड़ी मंदभागी घटना वापरी। एक लड़की जो नशे दे विच सी, ओ सरोवर दे उपर बैठी हुई सी, सरोवर च उहदे जदों दारू पीण लगी उत्थे बैठ के, उत्थे संगतां ने जदों देखिया, साडे मुलाजम गुरद्वारा साहब दे जो ड्यूटी ते सन उह वी पहुंचे, उस लड़की नूं फड़ के दफ्तर विच लिआंदा गया। ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। इन दी मेन टाइम क्योंकि पुलिस नू इनफॉर्म कर दिता गया सी मनेर साहब वालों, पुलिस मौके पर पहुंची, दो चार मिनट मुढ़ली पुछगिछ तो बाद पुलिस उस लड़की नू नाल लैके गुरद्वारा साहब तो पुलिस स्टेशन वास्ते चल पई। सामने एक सिंह जो शरधालू सी, जो जज्बात दे विच आके, मैं कहांगा भावना दे विच आके, उन्हें उस लड़की दे आप दे रिवालवर तो गोलियां चला दित्तियां। गोलियां लगन कारण उस लड़की दी मौके ते मौत हो गई। पुलिस नूं उस लड़के ने, उस सिंह ने अपना रिवालवर ते अपने आप नूं उस वेले पेश कर दिता, ते लड़की नू हस्पताल पहुँचाया गया। इस घटना दरम्यान साढ़े एक गुरद्वारा साहब दे जो रोजाना इत्थे शरधालू आउंदे ने, उन्हां विचों एक शरधालू दे पेट विच भी गोली लगी, जो रजिंद्रा हस्पताल विखे इस वेले एडमिट है, जिहदा इलाज चल रहा है। बड़े साढ़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मुलाजम ने, वो उहदी सेवा दे विच लगे हुए ने, ड्यूटी दे रहे ने। सो ये घटनाक्रम रात इत्थे वापरिया जिहड़ा बड़ा ही निंदनयोग आ। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साडे मानयोग प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी साहब वालों इस घटना की पुरजोर, साडे सारे वालों मैंबर साहिबान सारे बैठे ने, पुरजोर निखेधी की जाती है कि यह घटना मंदभागी है। उस लड़की दे जदों उन्हूं फड़िया गया, उहदे बैग की तलाशी ली गई, जिथे शराब की बोतल तो मैं तुहानूं दस्सिया भी उहदे कोल सी, उन्हें तोड़ के साडे सेवादारां ते अटैक करन की कोशिश भी की, अटैक किया भी, तो उहदे बैग दे विचों जरदे दीआं पुड़ियां भी मिलिया, कुछ नशीलियां गोलियां भी उहदे बैग दे विचों मिलिया। ये लड़की कल्ली सी जो उत्थे पाई गई है, तो कोई होर कोई इहदा वाली वारस भी नहीं इत्थे पहुंचिया, तो पुलिस जिहड़ी सी उह इहनूं लै गई सी। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਜੇ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ,
देखो लंबे समय तो असं देख रहे हैं ये गुरद्वारा साहबान अजिंह घटना वापरिया भावें हरिमंदर साहब दरबार साहब की गल करिए पिछले समय के मरिंडे जी घटना वापरी है बड़ी ही अत निंदन योग घटना वापरी है वक्-वक् गुरु घर बेअदबियां होंदिया आ रही वा। मैं समझना कि ये पिछे की साजिशा ने की कारण ने ना तो सरकार ये साबित कर सकिया हाले तक ना सिख कौम कोई इंसाफ ही दे सकिया हाले तक कोई पता नहीं लग रहा। इस करके मैं समझना कि लोग आ पिछले समय तो देख रहे भाव मरिंडे वाली गुरद्वारा साहब वाली भी घटना जां कल इत्थे गुरद्वारा दूखनवार साहब विखे वापरी है संगत दे विच रोस होण करके ते सरकारां कोलों इंसाफ ना मिलण करके मैं समझना कि संगत आप ही इंसाफ कर लग गया ये समझण दी लोड़ आ। सरकारां ये साबित नहीं कर सकी ना कोई स्पष्ट कर सकी है। देखो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का अपने प्रबंध असी अचेचे तौर पर हमेशा असारू करते रहने साडे मैनेजर साहब सारे मुलाजम थां थां ते कैमरे लगे हुए आ होर बहुत सारे असी साडे जिन्हें भी सेवादार अलर्ट रहिंदे ने पर क्योंकि गुरु घर है ये असी किसी की हर श्रद्धालु की असी श्रद्धालु समझ के उसकी तलाशी भी नहीं लै सकते क्योंकि वह भी उल्ट गल जाती है पर फिर भी मानयोग एडवोकेट साढ़े हरजिंदर सिंह धामी साहब तो समुची श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उचेचे तौर पर फैसले लै रही है क्योंकि जिहड़े साढ़े प्रवेश गेट ने उन्होंने कोई ना कोई अजिहे यंत्र असी लाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हों तो पता लाया जा सके अजिहे आंसर जिहड़े आ वो गुरु घर अंदर ना वड़ सकन। एक सोशल मीडिया के उत्ते लगातार ये गल चल रही सवेर तो जो भी घटना वापरी भी ये घटना प्रक्रमा के अंदर वापरी वो बारे की कहो। नहीं मैं क्लीयर कर देना चाहना जो सोशल मीडिया के गलत गल् चल रही उन्होंने रोकने की लड़ है ये घटना जी गुरद्वारा साहब के अंदर नहीं वापरी ये बिल्कुल गुरद्वारा साहब के बाहर वापरी है तो उस वेले वापरी है जो पुलिस उस लड़की लैके पुलिस स्टेशन जा रही थी गुरद्वारा साहब की हदूद के अंदर ये घटना नहीं वापरी गुरुद्वारा साहब की हदूद तो बाहर यह घटना वापरी है। ये साजिशां सामने आनिया चाहिए वा पर मैं दसना चाहना थानू कि लंबे समय तो उड़ीक कर रही है संगत कि ये साजिशां का पर्दाफाश होना चाहिए वा जो सरकारां वल्लों ये नहीं पर्दाफाश होए नहीं संगतां के सामने सच आया फिर हुण संगतां जज्बात च आ गए संगतां भावना दे विच आ के फिर इस बन्ने तुर पईआं। सिखां दी जो मर्यादा सोधे दी रही है तुसीं इहनूं उस मर्यादा दा हिस्सा मन्नदे जां इक भावना? देखो किते ना किते मैं समझना कि जदों सिखां दे भावना नूं ठेस पहुँचदी आ मसे रंगण वाला देखो इतिहास असीं सारे जाणदे आ अज उह भावना साडे सामने आ रही है तो फिर कुदरती तौर पर आ जिहड़ा सच्चा सिख आ उहदे मन नूं ठेस पहुँचदी आ तो किते ना किते फिर इह घटनावां भावना दे विच आ के वापर जांदियां। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कल रात लगभग 9:15 गुरद्वारा दूखनवार साहब पटियाला विखे एक बड़ी मंदभागी घटना वापरी एक लड़की जो नशे दे विच सी ओ सरोवर दे उपर बैठी हुई सी सरोवर च उहदे जदों दारू पीण लगी उत्थे बैठ के उत्थे संगतां ने जदों देखिया साडे मुलाजम गुरद्वारा साहब दे जो ड्यूटी ते सन वह भी पहुँचे उस लड़की नूं फड़ के दफ्तर विच लिआंदा गया। लिआउण तो पहला उस लड़की ने जो उहदे हाथ विच बोतल सी शराब दी वह तोड़ के साडे सेवादारां ते अटैक किया जो साडे सेवादार दी बांह दे उत्ते लगा जिहड़ा इंजर्ड हो गया उपरंत संगत दे सहयोग दे नाल साडे सेवादार ने उन्हां नूं फड़ के उस लड़की नूं दफ्तर दे विच लिआंदा उहदी पुछगिछ की गई। इन दी मेन टाइम क्योंकि पुलिस नूं इनफॉर्म कर दिता गया सी मनेजर साहब वल्लों पुलिस मौके ते पहुँची 2-4 मिनट मुढ़ली पुछगिछ तो बाद पुलिस उस लड़की नूं नाल लै के गुरद्वारा साहब तो पुलिस स्टेशन वास्ते चल पई। सामने एक सिंह जो श्रद्धालु सी जो जज्बात दे विच आके मैं कहांगा भावना दे विच आके उन्हें उस लड़की दे आप दे रिवालवर तो गोलियां चला दित्तियां
गोलियां लगन कारण उस लड़की की मौके पर मौत हो गई। पुलिस उस लड़के ने उस सिंह ने अपना रिवालवर तो अपने आप को उस वेले पेश कर दिता तो लड़की नू हस्पताल पहुँचाया गया। इस घटना दरम्यान साढ़े एक गुरद्वारा साहब के जो रोजाना इतने श्रद्धालु आते हैं उन्होंने एक श्रद्धालु के पेट में भी गोली लगी जो रजिंद्रा हस्पताल विखे इस वेले एडमिट है जिहदा इलाज चल रहा है। बड़े साढ़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मुलाजम ने वो उसकी सेवा दे विच लगे हुए ने ड्यूटी दे रहे हैं। सो ये घटनाक्रम रात इतने वापरिया जिहड़ा बड़ा ही निंदन योग आ। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साढ़े मानयोग प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी साहब वालों इस घटना की पुरजोर साढ़े सारे वालों मैंबर साहबान सारे बैठे ने पुरजोर निखेधी की जाती है कि घटना मंदभागी है। उस लड़की दे जो फड़िया गया वो बैग की तलाशी ली गई जिथे शराब की बोतल तो मैं तुम्हें दसे भी वो कोल सी उन्हें तोड़ के साढ़े सेवादार से अटैक करने की कोशिश भी की अटैक किया भी तो वो बैग के जरदे दियां पुड़ियां भी मिली कुछ नशीलियां गोलियां भी वो बैग के मिली। ये लड़की कल्ली सी जो उत्थे पाई गई है तो कोई होर कोई यदा वाली वारस भी नहीं इतने पहुंचा तो पुलिस जी इन लै गई सी। देखो लंबे समय तो असं देख रहे हाँ ये गुरद्वारा साहबान अजिंह घटना वापरी भावें हरिमंदर साहब दरबार साहब की गल करिए पिछले समय के मरिंडे जी घटना वापरी है बड़े ही अत निंदन योग घटना वापरी है। वक् वक् गुरु घर बेअदबियां होंदिया आ रही वा मैं समझना कि ये पिछे की साजिशा ने की कारण ने ना तो सरकार ये साबित कर सकियां हाले तक ना सिख कौम कोई इंसाफ ही दे सकियां हाले तक कोई पता नहीं लग रहा। इस करके मैं समझना कि लोग आ पिछले समय तो देख रहे भावें मरिंडे वाली गुरद्वारा साहब वाली भी घटना जां कल इत्थे गुरद्वारा दूखनवार साहब विखे वापरी है संगत दे विच रोस होण करके ते सरकारां कोलों इंसाफ ना मिलण करके मैं समझना कि संगत आप ही इंसाफ कर लग गया ये समझण दी लोड़ आ। सरकारां ये साबित नहीं कर सकी ना कोई स्पष्ट कर सकी देखो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का अपने प्रबंध असी अचेचे तौर पर हमेशा असारू करते रहने साडे मनेजर साहब सारे मुलाजम थां थां ते कैमरे लगे हुए आ होर बहुत सारे असी साडे जिन्ने भी सेवादार अलर्ट रहिंदे ने पर क्योंकि गुरु घर है ये असी किसी की हर श्रद्धालु की असी श्रद्धालु समझ के उसकी तलाशी भी नहीं लै सकते क्योंकि वह भी उल्ट गल जाती है। पर फिर भी मानयोग एडवोकेट साढ़े हरजिंदर सिंह धामी साहब तो समुची श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उचेचे तौर पर फैसले लै रही है क्योंकि जोड़े साढ़े प्रवेश गेट ने उन्होंने कोई ना कोई अजिहे यंत्र असी लाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हों तो पता लाया जा सके अजिहे आंसर जोड़े आ वो गुरु घर अंदर ना वड़ सकन। एक सोशल मीडिया के उत्ते लगातार ये गल चल रही सवेर तो जो घटना वापरी भी ये घटना प्रक्रमा के अंदर वापरी उसके बारे तुसी की कहो। नहीं मैं क्लीयर कर देना चाहना जे सोशल मीडिया के गलत गल्लां चल रही उन्होंने रोकण की लोड़ है। ये घटना जी गुरद्वारा साहब के अंदर नहीं वापरी ये बिल्कुल गुरद्वारा साहब के बाहर वापरी है तो उस वेले वापरी है जो पुलिस उस लड़की लैके पुलिस स्टेशन जा रही थी। गुरद्वारा साहब की हदूद के अंदर ये घटना नहीं वापरी गुरुद्वारा साहब की हदूद तो बाहर ये घटना वापरी है। ये साजिशां सामने आनी चाहिए वा पर मैं दसना चाहना थानू कि लंबे समय तो उड़ीक कर रही है संगत कि ये साजिशां का पर्दाफाश होना चाहिए वा जो सरकारां वल्लों ये नहीं पर्दाफाश होए नहीं संगतां के सामने सच आया फिर हुण संगतां जज्बात च आ के संगतां भावनां दे विच आ के फिर इस बन्ने तुर पईआं।
सिखा दी जो मर्यादा सोधे दी रही है, तुसी इनू उस मर्यादा का हिस्सा मानने जां इक भाव? देखो किते ना किते मैं समझना कि जो सिखा दे भावना ठेस पहुँचती है, मसे रंगड़ वाला देखो इतिहास असी सारे जानते हैं, अज वो भावना साढ़े सामने आ रही है, तो फिर कुदरती तौर पर आ जिहड़ा सच्चा सिख आ उहदे मन नूं ठेस पहुँचती है, तो कितने ना कि फिर घटनावां भावना के आ के वापर जांदियां।